हरियाणा में बीजेपी का ओबीसी कार्ड और नए सीएम बनने का नायाब सिंह आज शपथ लेने वाले हैं। एवं गोपनीयता तो बीजेपी ने यहां पर ओबीसी कार्ड खेला है और उसी की तस्वीर है। इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नए सीएम मिलने वाले हैं हरियाणा को नायाब सिंह के रूप में। नए सीएम और आज शपथ नायाब सिंह की, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये चंडीगढ़ से सीधे लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मोहन लाल बड़ोली गोपाल कांडा ने मंत्री पद की शपथ ली है। हरियाणा को नए बीजेपी नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं। ओबीसी कार्ड यहां पर बीजेपी का लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नायाब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी सीधी लाइव तस्वीरें इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे नायाब सिंह सैनी और एक नई राजनीति अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में शुरू होने वाली है। ओबीसी कार्ड बीजेपी का जो कि सफल रहा, नायाब सिंह सैनी के रूप में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ नायाब सिंह सैनी ने ले ली है। नए मुख्यमंत्री बन गए हैं नायाब सिंह सैनी और साथ ही नए मंत्री भी यहाँ पर हरियाणा को मिले हैं। गोपाल कांडा ने भी शपथ ली है आपको बता दें, और साथ ही मोहन लाल बड़ोली ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो भाजपा के पास बहुमत पहुंचा और बीजेपी का ये ओबीसी कार्ड देखने को मिला। नायाब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है बीजेपी की ओर से, शपथ ग्रहण हो चुका है। कार्यक्रम की तस्वीरें आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। नादिना मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री मूलचंद शर्मा की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता रक्षण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अनंतकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो कि विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अप्रोक्त रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आज हरियाणा की सियासत में बड़ी फेरबदल हुई और नए मुख्यमंत्री के रूप में नायाब सिंह सैनी
जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हरियाणा के बीजेपी के, और आज मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। ये कार्यक्रम चंडीगढ़ राजभवन से सीधे लाइव तस्वीरें इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई मंत्री भी उनके साथ शपथ लेते हुए। मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणजीत सिंह की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणजीत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो नई सरकार का गठन इस समय और वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हरियाणा के लिए क्योंकि नए सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ ली आज, और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद अब ये बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नायब सिंह सैनी और आज मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। कई मंत्रियों ने भी आज पद की शपथ ली है और राजभवन के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई मुख्यमंत्री को, तमाम मंत्री। आपको बता दें कि इस समारोह में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के चार विधायक भी मौजूद रहे और ये बड़ा झटका भी जेजेपी को माना जा सकता है क्योंकि गठबंधन टूट चुका, उसके बावजूद जेजेपी के चार विधायक इस समारोह में मौजूद हैं। एक बड़ा फेरबदल और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव सामने है, एक बड़ी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को लड़ने के लिए या तैयार दिखाई दे रही है। बड़ा कार्ड ओबीसी कार्ड हरियाणा में खेला गया, अब कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाले दिन बताएंगे, आने वाले चुनाव बताएंगे, परिणाम बताएंगे। लेकिन एक बड़ा सियासी फेरबदल और बड़ा झटका इस समय अन्य पार्टियों को यहाँ पर बीजेपी ने दिया है। हरियाणा को नए सूबे के मुखिया मिल गए हैं और कई मंत्री जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नायब सिंह सैनी, जिनको एक लंबा अनुभव है